तो दोस्तों आज हम एक नई राइड पे जा रहे हैं, तो हमें दो दोस्त मिले हैं रास्ते पे, हमें देख के रुक गए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राम भगत। अच्छा, हमको देख के रुके थे? हाँ जी सर। कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे थे काम पर, जा रहे थे बुआ के पास। अच्छा, कहाँ रहते हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल MKS मोटो राइडर में। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो राइड हमारी होने वाली है ऊना हिमाचल प्रदेश, और अभी हम होशियारपुर से ऊना वाली साइड जा रहे हैं। वहाँ पे हंदोला ब्रिज बना हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है, अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है। तो वहाँ पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या स्पेशल है, क्या खास है। तो इसलिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो में अगर अच्छी लगे तो। आगे जाके आपको हिमाचल जाते हुए पहली पहाड़ी है ये, चेक पोस्ट है पंजाब की। अब हम हिमाचल में एंटर करने जा रहे हैं। इसके बाद और होशियारपुर से ऊना आते हुए ये पहली चढ़ाई है और यही रास्ता बाबा बालकनाथ जी को जाता है, तो काफ़ी रश होता है कई बार संडे को इस रोड पे। लो जी, ये ट्रक की क्लच प्लेट्स लग रहा है फूक गई, क्या बात है, धुआं ही धुआं हो रहा है। गांव का नाम मेरे को पता नहीं है पर छोटा सा गांव है, वहां पे वो ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी शूटिंग वगैरह और प्री वेडिंग वगैरह शूट होते हैं वहां पे। आप व्यू चेक करो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ध्यान से चलो ज़रा, ऊना के आसपास पहुँच चुके हैं। ये कोई पंडोंगा करके गांव है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बैरियर होता है, तो ये आ गया बैरियर। यहाँ पे पर्ची लगती है गाड़ी की और बड़ी गाड़ी की, जैसे कोई कमर्शियल व्हीकल हो। तो दोस्तों ऊना यहाँ से 7 किलोमीटर रह चुका है, तो ऊने को पार करके फिर वहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे। और काफ़ी बड़ा है ऊना शहर भी, तो यहाँ से ही रास्ता जाता है बाबा बालकनाथ जी को। तो ये आ गया ऊना शहर का बस स्टैंड, शायद नया बना है ये। तो दोस्तों यहाँ से हंदोला ब्रिज रह चुका है कोई 6 किलोमीटर, तो यहाँ से हो जाएंगे राइड। तो सामने लिखा हुआ नंगल 5 किलोमीटर। तो लो जी दोस्तों, यहाँ भी बैरियर लगा हुआ क्योंकि ये पंजाब का एरिया शुरू हो चुका है, पीछे हिमाचल में से हम। अब ये थोड़ा सा एरिया पंजाब का, फिर हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे एकदम से। और काफ़ी लोग इस जगह के बारे में जानते नहीं है कि ये ब्रिज है, कैसे बना है, कहाँ बना है, और इतनी अच्छी लोकेशन है और टूरिस्ट बहुत कम आते हैं वहाँ पर। तो सामने चेक करो, पानी दिख रहा है। तो ऊपर से शायद ब्रिज भी दिख जाए, तो पर मैं फोकस अपनी बाइक पे करूँगा। ओहो, क्या बात है, सामने का व्यू चेक करो कितना मस्त आ रहा है। तो हरियाली चेक करो कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो पानी बिल्कुल हमारे साथ ही है, तो यहाँ थोड़ी जगह कंजस्टेड होने की वजह से गर्मी लग रही है, चाहे जंगली एरिया ही है। तो सामने चेक करो, पहाड़ दिख रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप चेक करो, घना जंगल है और रात को यहाँ पे डर लगता होगा। तो लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो बाइक को हम ले गए थे बिल्कुल नीचे, तो अब भी हम वहीं पे ही ले आए हैं। तो लो जी सामने दोस्तों देख लो आप, ये हंदोला ब्रिज। तो प्री वेडिंग शूट हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, तो लोकेशन आप चेक करो,
बहुत ज़बरदस्त है। सामने जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि नदी का बहाव बहुत तेज है, नदी में नहाने ना जाएं, किनारे पे बैठ के स्नान करें, नशा झगड़ा या शोर शराबा करना सख्त मना है, सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हम पहुँच चुके हैं हंदोला ब्रिज के पास। तो अभी हमारे दोस्त निकल गए हैं मुँह हाथ धोने के लिए। ये सामने तो आप यहाँ का माहौल चेक करो और यहाँ का वेदर चेक करो और यहाँ की लोकेशन का मज़ा लो, कितना ज़बरदस्त है। हाँ जी दोस्तों, तो सीन हो गया, डॉक्टर साहब की बीएम पे एक बंदर बैठा हुआ है, तो वो शीशा देख रहा है बार बार, वो शीशे के ऊपर हिट ना मार दे। तो मैं जा रहा हूँ पास, तो ये करेगा कुछ ना कुछ, ये देखो। ये भाग गया सामने मेरे को देख के। जी दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रिज की ओर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिज का, यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसा बना हुआ है ब्रिज। तो ये बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है वार्निंग, सावधान, अगर कोई भी आ रहा तो ये पढ़ लो पहले, फिर आगे जाओ, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, लोकेशन बहुत अच्छी है, फैमिली के साथ आओ और अवेयरनेस के साथ रहो, क्योंकि यहाँ थोड़ी टेंशन ये है कि पुल हिलता भी है और मूवमेंट करता है, थोड़ा सा खस्ता हालत है और थोड़ा सा रिस्की भी काम लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे वीडियो के चक्कर में। तो ये सामने देखो आप पेड़ पे, तो ये हमें डरा रहे हैं बड़ी बुरी तरह से, वो सामने देखो बैठे हुए कैसे देख रहे हैं हमें। बैटर डर तो नहीं लगला। तो लो जी दोस्तों, अपने डॉक्टर साहब को लग रहा है डर, तो डर तो मुझे भी लग रहा है, डर के आगे जीत है। तो बाकी फिलहाल पुल की लंबाई आप देख लो कितनी है, ये है मेरे पीछे पुल, तो ये सारा पीछे काफ़ी लंबा है, कम से कम मेरे हिसाब से आधा किलोमीटर तो लंबा होगा। तो बाकी लोग आप चेक करो, ये पुल पे एंजॉय कर रहे हैं, ये फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हम पुल के दूसरे साइड पे आ चुके हैं, ये है दूसरा शोर। तो बंदे अपने बोल रहे थे, भाई अपने बोल रहे थे कि हमने उस साइड जाके देखना है कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। तो इधर गांव है कोई, और जैसे इधर एरिया है वैसा एरिया है, इस साइड भी है। तो पुल बहुत लंबा है, सांस फूल रही है यहाँ तक आ आने में। तो यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ें इसे ध्यान से, उसके बाद ही यहाँ पे आगे जाएं, क्योंकि अवेयरनेस का ज़रूरी है ना। आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि नवीकरण पुल का हुआ है 10 साल पहले, तो 2019 में ये कंप्लीट हुआ था। बाकी आप बोर्ड पे पढ़ो, ये भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने इसको रिपेयर किया था, जो तारे वगैरह इसकी चेंज करने वाली थी, जाली वगैरह लगने वाली थी, वो इस पुल पर उन्होंने लगाई थी। तो ये इसके अंदर जो वायर वगैरह का इन्होंने बेस बनाया होगा वो होगा, तो ये सारा बंद है। तो चलो दोस्तों, अभी हम वापस जा रहे हैं, दूसरी शोर आ गए हैं, अब जा रहे हैं पहले जहाँ से शुरू किया था। तो फिलहाल अच्छा लग रहा है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि टाइम अभी 3 बज गए होंगे शायद ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अब फिर उसी ढाबे पर जहाँ पर बैठे थे। तो बाकी जाने का प्लान है कहीं और,
दिल तो इतो नहीं जान करता। तो यहाँ पे रुकेंगे, रुक के फिर देखेंगे कहीं और जाना है या नहीं जाना। तो चलो दोस्तों वापस चलते हैं। तो यही रास्ता है वापस जाने का भी। तो ये अपने भाई साहब मेरे से पहले जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। तो ये आप देख ही रहे हो भाई साहब अपने चाल, इनकी मस्त चाल है। तो आप इसकी रोप की, जो रोप है इसकी मोटाई देखो कितनी ज़बरदस्त है। ये कम से कम 50 mm होगी। तो सामने देखो वो रस्सियाँ यहाँ से अटैच करके वो वहाँ तक जा रही है, उसके बाद सीधा यहाँ तक जा रही है। तो ये है दो पिलर, बड़े से पिलर, खंभे बोलते हैं जिसको। तो इससे अटैच है सारी वायर वगैरह। हाँ लो जी दोस्तों, हम अपनी साइड पे आ चुके हैं। तो अब हम कुछ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ को जाना है, कहाँ निकलेंगे। तो डॉक्टर साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुड गुड रहा। तो अच्छी जगह है बहुत। तो नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे, अगर फैमिली को ला सके तो लाएंगे जरूर। तो चलो दोस्तों अभी कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर निकलेंगे। तो हमारा घूमना फिरना हो गया, पुल से हम घूम के आ चुके हैं। तो अभी हम एक अंकल जी हैं, इनका यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट टाइप है, ढाबा कह लो। तो हम उनके पास रुके हैं। ये सामने बिल्कुल ये पुल है वहाँ पे, बिल्कुल सामने पुल है। तो ये अंकल जी की रसोई है। तो ये अंकल जी है। तो अंकल जी खाने को क्या क्या मिलता है बता दो जरा। मैगी वगैरह मिलते हैं, ओके, भुजिया वगैरह मिलता है, चाय वगैरह बनती है। सनराइज ढाबा है। तो ये अंकल जी है, इनके पास आइसक्रीम है। तो फैसिलिटी सारी है, वॉशरूम टॉयलेट है। तो मतलब ये उनकी रसोई है, ये रूम भी है इनके पास अगर किसी को चाहिए होंगे। तो ये इनका मोबाइल नंबर है अंकल जी का, अगर किसी को आना होगा तो इनसे कॉन्टेक्ट करके कोई भी नॉलेज अगर चाहिए आपको तो सब मिलेगा। तो ये हमारी बाइक्स के लिए पार्किंग भी है अंकल जी के पास, और कार के लिए अच्छी पार्किंग है। तो दोस्तों आओ एंजॉय करो और अंकल जी से मिलो। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तो आप भी आओ एंजॉय करो, मज़े करो। तो चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर कोई कमी पेशी होगी तो हमको बताना, सुधार करेंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।